हेलो स्टूडेंट, कक्षा 12th। आज मैं आप लोगों के साथ नया टॉपिक हिंदी में गद्यांशों की व्याख्या, किस तरीके से प्रश्न आते हैं बोर्ड में, इस पर चर्चा करूंगी। और जो भी व्याख्या आप लोगों की आती है वो कितने नंबर की आती है और टोटल कितने प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको आंसर राइटिंग किस तरीके से बोर्ड में करनी है जिससे आप अच्छी स्कोरिंग कर पाए, आइए देखते हैं। मैंने पहला लेसन आज शुरुआत किया हुआ है जिसमें आप लोगों का जो गद्यखंड है उसमें पहला लेसन राष्ट्र का स्वरूप, जिसके राइटर हैं वासुदेव शरण अग्रवाल, ये आपके गद्यखंड का पोर्शन है। इस गद्यखंड के पोर्शन में इस तरीके से प्रश्न आते हैं, पेपर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से ये गद्यखंड में तीसरा प्रश्न रहता है और दिया रहता है दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और जो ये नंबरिंग रहती है तो ये 5 प्रश्न रहते हैं, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का रहता है, इसलिए टोटल ये गद्यांश की जो व्याख्या होगी 10 नंबर की स्कोरिंग करने वाली व्याख्या रहती है। नीचे जो प्रश्न रहते हैं आइए देखते हैं, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा प्रश्न रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। 2 नंबर का ये हो गया, 2 नंबर का ये हो गया। संस्कृत के किस कवि ने अशोक को सम्मानित किया है, तीसरा हो गया। अशोक पर फूल आने के संबंध लेखक के क्या विचार है, अगर आपने व्याख्या पढ़ी होगी तो ये इजीली आप कर ले जाएंगे। असंजनकारी एवं कर्ण वसंत के अर्थ लिखिए, 2 नंबर का ये हो गया। तो इस तरीके से 10 नंबर के 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, बस यहाँ जो व्याख्या रहती है वो चेंज हो जाती है लेकिन जो आप लोगों के प्रश्न रहते हैं वो इसी तरीके से प्रत्येक साल पूछे जाते हैं। तो मैं जो पहला आपका गद्यांश है इस पर मैं आज चर्चा करूंगी, आज आपको किस तरीके से प्रश्न इस पे आए हैं अभी तक बोर्ड में वो भी बताऊंगी। आइए देखते हैं, राष्ट्र के स्वरूप में बहादुर शरण अग्रवाल जी कहते हैं भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है, उसके भौतिक रूप सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे उतनी हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है, जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी अधिक गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पलवित होगा, इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की अधोपान जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता उपयोगिता और महिमा को पहचानना हमारा धर्म है। तो इस तरीके से व्याख्या आपके पेपर में दी रहेगी, इसको पहचान के आपको किस तरीके से प्रश्न इसमें पूछे गए हैं वो पहला प्रश्न जो आपका रहता है, जो मैंने अभी आपको पेपर दिखाया उसमें पहला प्रश्न इस तरीके से आता है, दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसा कि मैंने पेपर दिखाया ये 5 नंबर के प्रश्न, ये 5 प्रश्न आते हैं 2 नंबर के हिसाब से, तो 10 नंबर का रहता है गद्यांश। पहला प्रश्न का उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो जो व्याख्या दी गई है इसको पहचान कर हमें पाठ का नाम और राइटर का नाम लिखना होता है, उसको हम संदर्भ कहते हैं। दूसरा प्रश्न रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, इन्हीं में से जो लाइनें हैं इनको रेखांकित कर दिया जाएगा, जैसे कि मैंने आप हरे पेन से आपको दर्शाया है ये रेखांकित है व्याख्या, जो लाइनें रेखांकित है उनका अर्थ निकालना है। तीसरा प्रश्न राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है, जहां व्याख्या देखेंगे तो हम इसका भी आंसर बड़ी आसानी से आ जाएगा। अगला चौथा, किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने मूल रूप से कहा है। पांचवा प्रश्न, हमारी राष्ट्रीयता कैसे बलवती हो सकती है। तो इस तरीके से 5 प्रश्न आपके इस व्याख्या से पूछे जा सकते हैं, आइए बारी बारी से प्रत्येक प्रश्न पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न ये जो पूछा गया है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो सबसे पहले हम उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखेंगे, किस तरीके से लिखना होता है, तो हम आंसर में डालेंगे उत्तर का संदर्भ, ठीक है। अब जो भी का डाला हुआ है तो आप का डालेंगे और उत्तर लिख देंगे। अब संदर्भ लिखेंगे, पहले प्रश्न का आंसर हम लोग लिख रहे हैं। पहले प्रश्न में हम लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य गरिमा में संकलित डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप नामक निबंध से लिया गया है। अब देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आपको अंडरलाइन देना है, इससे आपके अच्छी स्कोरिंग करने में हेल्प मिलेगी। राइटर का जो नाम है उसके नीचे अंडरलाइन देंगे हम, पाठ का जो नाम है उसके नीचे अंडरलाइन देंगे, और ये निबंध है, कहानी है, क्या है, ये आपको कौन सी विधा के ऊपर ये लिखा गया है, तो ये निबंध एक तरीके का, तो इसको हम अंडरलाइन देंगे, इससे आपकी अच्छी स्कोरिंग करने में हेल्प होगी। अब दूसरा प्रश्न इसमें पूछा गया है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित जो अंश है, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया हुआ है, ये अंश जो दिख रहा है आपको पूरा, इसकी हमें व्याख्या करनी है, तो हम आंसर डालेंगे खा का उत्तर और लिखना शुरू करेंगे। इसमें जो वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं उन्होंने भूमि के बारे में कहा है, उन्होंने कहा है भूमि का निर्माण देवों ने किया है, और प्रसंग जब हम इसका लिखेंगे तो प्रसंग में हम लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने राष्ट्र के प्रथम महत्वपूर्ण तत्व भूमि की रूप उपयोगिता और महिमा के प्रति हमें सचेत रहने को कहा है। अब व्याख्या में क्या कहा है इन्होंने, इन्होंने व्याख्या में कहा है प्रस्तुत गद्यांश में लेखक का मानना है कि जो भूमि है वो अनंत काल से है और जिसका निर्माण देवताओं के द्वारा किया गया है। अब अर्थ देखते हैं, बिल्कुल सिंपल सी भाषा में ये जो लिखा हुआ है इसी को हम अर्थ में, जो भाषा हमारी सिंपल है उसमें कन्वर्टेड करते जाएंगे। जो राइटर है वासुदेव शरण अग्रवाल जी, वासुदेव शरण अग्रवाल इस तरीके से लिखेंगे, वासुदेव शरण अग्रवाल जी कहते हैं कि भूमि का निर्माण देवताओं ने किया है,
वो है अनंत काल से। उनका कहना है कि भूमि अनंत काल से है, बहुत टाइम से है, जिसका निर्माण देवताओं के द्वारा किया गया है। ठीक है, उसके भौतिक रूप सौंदर्य समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा कर्तव्य। लेखक कहते हैं कि हमें जो भूमि का स्ट्रक्चर है भौतिक, और उसकी जो सुंदरता है और उसकी जो समृद्धि है, उसके प्रति हमें सचेत रहना आवश्यक है, क्योंकि हमारा कर्तव्य है। आगे भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे, उनका कहने का मतलब है कि भूमि के पार्थिव का मतलब है भौतिक, इसको आप भौतिक कह सकते हैं। ठीक है, भूमि के भौतिक स्वरूप के प्रति हम जितना अधिक जागरूक रहेंगे, हमारी राष्ट्रीयता की भावना जो होगी वो अत्यधिक आपकी बलवती हो सकेगी या स्ट्रांग हो सकेगी। आगे यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। आगे राइटर कहते हैं कि हमारी जो राष्ट्रीयता है बलवती हो सकेगी। आगे देखते हैं, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। वो कहते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है वो सच्चे अर्थों में हमारी जो राष्ट्रीय विचारधारा है उसकी कौन है, माँ है या जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है वह निर्मूल है। वो कहते हैं अगर किसी व्यक्ति के मन में राष्ट्रीयता नहीं है और वो पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी हुई है और पृथ्वी को वो अपनी माँ नहीं मानते हैं, तो ऐसी भावना जो निर्मूल है या बेकार है, इसका कोई अर्थ इसमें नहीं निकलता है। आगे वो कहते हैं राष्ट्रीयता की जड़ पृथ्वी में जितनी अधिक गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भाव का अंकुर पल्लवित होगा। वो कह रहे हैं कि राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी अधिक गहरी होंगी, या हम पृथ्वी में राष्ट्रीय भावना की जड़ें जितनी अधिक मजबूत करेंगे, उतना ही हमारे जो राष्ट्रीय भावों का अंकुर है वो बहुत अधिक स्ट्रांग होगा या पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की अधोपान का आप लोग मतलब लिख लेंगे आदि से अंत तक। ये थोड़ा सा कठिन लग रहा है सर, इसका अर्थ लिखेंगे आदि से अंत तक। यह राइटर कहते हैं इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आदि से अंत तक जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक है, और ये हमारा परम कर्तव्य भी है और हमारा धर्म भी है। तो सिंपल भाषा में गद्यांश थोड़े सरल होते, कोई कठिन नहीं होते, पद्यांश थोड़ा कठिन होता है। तो जो लिखा हुआ है उसको हम अपनी सिंपल भाषा में लिख देते हैं। अब आंसर राइटिंग, ये तो मैंने आपको ओरली बताया। अब आंसर राइटिंग में हम इस तरीके से लिखेंगे जैसे कि मैंने डाला हुआ है। सबसे पहले संदर्भ लिखने के बाद हम प्रसंग डालेंगे। प्रसंग का मतलब है कि इसमें क्या कहा गया है। तो यहाँ राइटर क्या कहने का प्रयास कर रहा है, लेखक का मानना है कि भूमि अनंत काल से है जिसका निर्माण देवताओं ने किया है। इस भूमि के भौतिक स्वरूप उसके सौंदर्य आदि की जानकारी रखना हमारा महत्वपूर्ण कर्तव्य। तो प्रसंग भी डालेंगे साथ में संदर्भ के साथ। फिर लिखेंगे व्याख्या। व्याख्या जो मैंने अभी आपको बताई, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक का मानना है कि भूमि अनंत काल से है जिसका निर्माण देवताओं ने किया है। इस भूमि के भौतिक स्वरूप उसके सौंदर्य उसकी समृद्धि के प्रति सतर्क रहना, उसके प्रति जानकारी रखना हमारा महत्वपूर्ण कर्तव्य है। लेखक का कहना है कि भूमि के भौतिक स्वरूप के प्रति हम जितना अधिक जागरूक होंगे, हमारी राष्ट्रता की भावना उतनी अधिक बलवती होगी। हमारी समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी वस्तुता पृथ्वी ही है। आगे देखेंगे, कोई भी राष्ट्रीयता यदि अपनी भूमि से नहीं जुड़ी है तो वह राष्ट्रीयता की भावना निराधार है। किसी भी राष्ट्र की राष्ट्रता की जड़ें जितनी अधिक पृथ्वी से जुड़ी हुई होंगी, उस राष्ट्र की राष्ट्रता की भावनाओं का बीज उतना ही अधिक फलेगा फूलेगा। यदि हमारे अंदर अपने राष्ट्र के प्रति लगाव है तो हमें अनिवार्य रूप से अपनी जन्मभूमि के प्रति भी लगाव होगा। लेखक का मानना है कि पृथ्वी अर्थात जन्मभूमि की आरंभ से अंत तक जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता उपयोगिता महिमा को पहचानना आदि हमारे लिए न केवल आवश्यक है बल्कि ये हमारा धर्म और कर्तव्य भी है। जैसा कि मैंने आपको सिंपल भाषा में समझाया था वही मैंने यहाँ पे पुट डाउन कर दिया। अब तीसरा प्रश्न देखेंगे क्या है। तीसरा ये प्रश्न का खा का और खा की चर्चा हो चुकी है। गा राष्ट्रीय भूमि के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है। तो मैंने देखो आंसर में लिखा है गा का आंसर, राष्ट्रभूमि के प्रति हमें भौतिक रूप सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। तो ये गा का आंसर हो गया। अब घा अंगला चौथे का आंसर देंगे, किस प्रकार की राष्ट्रता को लेखक ने मूल रूप से कहा है। तो घा का लेखक ने कहा है जो राष्ट्रीयता पृथ्वी से मूल रूप से जुड़ी नहीं है तो वह राष्ट्रता की भावना निराधार है। लेखक ने कहा जो राष्ट्रीयता पृथ्वी से मूल रूप से जुड़ी नहीं है वह राष्ट्रता की भावना निराधार है, जिसका कोई आधार नहीं है। अगला पांचवा क्वेश्चन, हमारी राष्ट्रता कैसे बलवती हो सकती है। तो आंसर में हम लिखेंगे, किसी भी राष्ट्र की राष्ट्रता की जड़ जितनी अधिक पृथ्वी से जुड़ी हुई होंगी उस राष्ट्र की राष्ट्रता की भावना का बीज उतना ही अधिक फलेगा फूलेगा या मजबूत होगा। तो इस तरीके से पांच क्वेश्चन दिए रहते हैं।
हमने पांचों का आंसर देखा और ऐसी सिंपल भाषा में आपको पेपर में लिखना है जो आपकी ये गद्यांश की जो व्याख्या होगी 10 नंबर के स्कोरिंग करने में आपकी हेल्प करेगी। अब अगले का जो आपका गद्यांश होगा सेकंड वाला उसको मैं अगले वीडियो में लेकर आऊंगी और मैं क्रम से आपको गद्यांश उपाद्यांश की व्याख्या पढ़ा रही हूँ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा।